नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पाकिस्तान से भारत वापस लौट चुकी अंजू अब पुलिस से भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस प्रकार से हरियाणा के सोनीपत में अंजू से पुलिस ने पूछताछ की, उसमें अंजू ने अपने तमाम वो दावे पुलिस के सामने पेश किए, जिसके आधार पर अब वो कहीं ना कहीं अपना दावा मजबूत करती नजर आ रही है। इसी के आधार पर अब खबरें ये भी आ रही है कि अंजू के पति जो कि अरविंद है, उन्होंने अपने द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को भी वापस ले लिया है और अब ये दोनों कहीं ना कहीं हंसी खुशी अपना जीवन आगे चलाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अंजू ने भविष्य में आने वाले तमाम उन कानूनी अड़चनों से बचने के लिए एक वकील को हायर किया है। जी हाँ, एक वकील को हायर किया है। वह अंजू इस वक्त अपने रिश्तेदारों के यहाँ हरियाणा के सोनीपत में रह रही है और उससे पुलिस ने पूछताछ की थी। इसके साथ ही उसकी बेटी से मुलाकात भी करवाई गई और अब वकील को जो हायर किया है उसको इसी तरीके से हायर किया गया है कि आने वाले वक्त में उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से अंजू पर एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद पति और पिता दोनों ने ही उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। अंजू यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर भटकी फिर रही थी। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद वो हरियाणा के सोनीपत अपने एक रिश्तेदार के वहां पहुंची और अब वहां कुछ दिनों से रह रही है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि यदि दोनों पक्ष यहां पर खुश हैं तो पुलिस इस पर आगे कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंजू की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है जिस पर जांच एजेंसियां लगातार जो है अपनी नजर बनाई हुई है। जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट पेश करने तक अंजू पर निश्चित तौर पर एक पैनी नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर उससे फिर भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से अंजू से पूछताछ की गई उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अंजू ने दावा किया है कि उसके पति अरविंद के साथ अब साथ रहने पर लंबी बातचीत चल रही है और वे दोनों इस पर विचार कर रहे हैं। उसने कहा कि हम दोनों ही उस धुरी पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान चली गई थी, ये मेरा निजी फैसला था और मैं वहां पर रहने के इरादे से नहीं गई थी, बल्कि केवल मात्र घूमने के इरादे से गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी अच्छी घूमने की जगह थी जिन्होंने मेरे दिल को लुभाया और उसके कारण मैं पाकिस्तान चली गई थी। इसके बाद अंजू ने दावा करते हुए कहा कि नसरुल्ला उसका दोस्त है और उसने उससे निकाह भी किया था, लेकिन यदि वो निकाह यहाँ पर जो वैध नहीं माना जाता है तो मैं भारतीय कानून का पालन करते हुए उसे अवैध मानती हूँ और उसकी कोई अहमियत नहीं समझती हूँ। इसके साथ ही अंजू ने कहा कि मैं आगे आने वाले भविष्य में नसरुल्ला से मुलाकात करना चाहती हूँ, नसरुल्ला भी मेरे साथ मुलाकात करना चाहता है, हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है और हम यदि संभव हो पाए तो फिर से मुलाकात करना चाहेंगे। इसके बाद अंजू ने कहा कि दुबई मेरी ड्रीम कंट्री है और मैं अपने बच्चों को लेकर दुबई में सेटल होना चाहती हूँ, लेकिन यदि मेरे पति अरविंद मेरे साथ जाएं तो वह भी इसके लिए जो है अपने आप को तैयार रख सकते हैं, क्योंकि हम अब प्लानिंग बना रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम कोई ऐसे कदम उठाएं जिससे हमारी जिंदगी ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो फिलहाल अब निष्कर्ष यही निकलता नजर आ रहा है कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अंजू और अरविंद फिर से एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।